हो जाएगा, कुछ नहीं होता जैसे आप बोलते हो, कोई पीसीओडी कोई पीसीओएस नहीं होता। पर उनके पास जाते थे, बोलते थे तान्या पीसीओएस लग रहा है, एक दो इंजेक्शन लग गए, लेकिन अभी भी एग उतना बड़ा नहीं हुआ, दो इंजेक्शन और लगेंगे। तुम और बताते नहीं थे, तुम बताते नहीं थे कि मैडम मेरी शक्ल तो देख लो एक बार, सर उठा के पीसीओडी क्या फेस पे नहीं दिखेगा? इंजेक्शन क्यों 28 साल की उम्र में? और 2 महीने तुमने ट्राई किया था, 3रे महीने कैपगोलिन खाई और जो प्रोलैक्टिन तुम्हारा बढ़ा निकल ही गया। अगर एक कमी जो इतनी स्ट्रॉन्ग कमी है कि जो एग बनने ही नहीं देती, फिर एग बनने की दवाई खा रहे हो और प्रोलैक्टिन भी चलो तुमने खा ली, वो तो अपने आप ही खा ली। तो एक जो कमी निकली, अब अच्छा एक मान लो कॉमन सेंस बताओ मुझे, तुमने दाल चखी उसमें नमक कम है, पहले तुम सोच रहे थे मिर्च कम है, लेकिन जब तुमने चख ली तो तुम्हें समझ आया कि नमक कम है, अब फिर भी मिर्च डालोगे? मतलब ये प्रोलैक्टिन और कैपगोलिन तो ऐसा है कि इन स्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी हो रही है, हम पूरा गड़बड़ कर रहे हैं, पूरी टेंशन दे रहे हैं, फिर भी लोगों की हो रही है। आज सुबह भी ऐसे केस आया कि उसने इंजेक्शन फिर भी लगवा लिया, कि ये तो मेरे पहले भी लग रहे थे, इनसे होता तो पहले ना हो जाता, लेकिन जब हमें प्रोलैक्टिन ज़्यादा मिल गया या नहीं मिला या विटामिन डी लगवा लिया हस्बैंड के, जो रीज़न हम समझ रहे हैं कि ये कॉमन रीज़न है, उनको ठीक कर लिया, तो 2-4-6 महीने उसको भी तो दो बिना ट्रीटमेंट के, कि फिर भी ट्रीटमेंट करना है, उसका नुकसान होता है। ये तो हो गया तुम्हारा, मतलब 28 पे तो बंदा इतना फर्टाइल होता है कि सारे प्रिकॉशन रखते रखते उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है, फिर तुमने नेचुरोजेस क्यों खाई? कॉमन सेंस मेरी टीवी मतलब समझ नहीं आती बात पूरी मेरी, मैं इसका मतलब मैं ढंग से समझा नहीं पाती आपको। मतलब देखो जो डॉक्टर दे देगा हम सोचेंगे, उसने मैम वो तो मुझे बोल रहे थे कि आपकी ना ट्यूब टेस्ट करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज ऑफ योर वीडियो, कि मैंने मैम को कहा या आप कहते हो कि कुछ भी खराब हुआ तो इतनी अंदर से क्या ट्यूब खराब हो जाएंगी, तो मैंने मतलब अपने हस्बैंड को बोला, देखा एक महीना दे दे यार, मतलब एक महीना नहीं एक साल, ये नहीं है कि प्रोलैक्टिन आपने ठीक किया तो पहले महीने प्रेगनेंसी हो जाएगी या ट्यूब ठीक होंगी तो पहले महीने हो जाएगी, यह एग बनता होगा तो जब चाहोगे तब हो जाएगी, ऐसा नहीं है, यही दिमाग से निकालना है। अगर कोई कमी नहीं है तो एक साल तो दो, हर महीने 10% चांसेस होते हैं, जैसे किट्टी होती है ना, चाहे पहले महीने निकल जाए चाहे 10वें महीने निकल जाए, और उसमें भी चांस की बात होती है। अब तुम्हारा पहले महीने हो गया, लेकिन ये नहीं कि पहले दो एक महीना दो, ये गलत सेंटेंस है। आप तो बोलो उनकी छोड़ो, जब वीडियो आप देख रहे हो वो तो नहीं देख रहे, जो वीडियो दिखाओ, या तो जिसने वीडियो नहीं देखी उसको कैसे पता चलेगा कि इस तरह से सोचते हैं, जिसने वीडियो नहीं देखी या तो वीडियो दिखाया करो। मैं ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ तुम्हारे थ्रू, मुझे तो 3 साल हो गए ये सेम बात बताते बताते, जब आपको एक कमी मिल गई पहले उस कमी को ठीक करो, उसके बाद फिर 6 महीने तो दो, क्योंकि कोई कमी नहीं होगी तब भी एक साल, गाइडलाइन तो 2 साल की है, मैं तो 6 महीने पे 1 साल पे आ गई कि चलो 1 साल तो दो। मुझसे पेशेंट कहते हैं कि जो ऑनलाइन दिखाते हैं अब आपसे को कम दिखाएं, मैं कहती हूँ 1 साल बाद, 1 साल यही ट्रीटमेंट चलेगा, हो जाए तब बात खत्म होगी, नहीं होगी तो कैपगोलिन खा लो, विटामिन डी लगा लिया, 6 महीने बाद दिखाना जल्दी से जल्दी। हर महीने मैं क्या बदलने वाली नहीं हूँ ट्रीटमेंट अपना, जब एक बार हमने देख लिया सारे टेस्ट कर लिए, जो कमी निकली उसको ठीक कर दिया, अगर नहीं निकली तो कुछ नहीं करना, कैपगोलिन तो फिर भी देनी है, क्योंकि मुझे पता है कि बातों से तुम लोग को समझ ही नहीं आती, टेंशन फिर करते हो, स्मोकिंग हस्बैंड के छुड़वाओ, हस्बैंड छुड़ाने के 6 महीने तो देखो ना, ये तो नहीं कि स्मोकिंग छोड़ा दी तो जिनको जो इनके हस्बैंड स्मोकिंग नहीं करते उनको जब चाहे हो सकता है। मैम मेरे तो हस्बैंड बिल्कुल ही मतलब ड्रिंकिंग और स्मोकिंग का जीरो, वो तो करते ही नहीं, बट स्टिल मतलब 2-2.5 महीने 3 हो तो, क्योंकि मैम पीरियड मिस हो गए इसलिए डॉक्टर्स के पास जाना पड़ा कि व्हाट इज
वो तो आपने, शायद हम भी ट्राई कर लेते हाँ पर उनके बस उनकी कंसल्टेशन पे चले गए तो फिर हर महीने हमें जाना ही पड़ा। ऐसा कोई नहीं, तुम्हारे बॉन्ड थोड़ी बढ़ दिया। चलो जो हो गया अंत भला सो भला। अब होगी प्रेगनेंसी, खुश हो? अब